मैं सबसे पहले गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, अंधे को आंख देने वाले, नारी को सम्मान देने वाले, गांधी को प्राण दान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले बोधिसत्व भारत रत्न बाबा शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में खुद को समर्पण करता हूँ। और साथ ही साथ ज्योतिराव फूले, माता सावित्री बाई फूले, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, संत रविदास, मानवर कान सीलन साहब, इन सभी संत महापुरुषों के चरणों में खुद को समर्पण करता हूँ और मैं अपने स्वर्गीय माता पिता के भी चरणों में खुद को समर्पण करता हूँ। और यहाँ पर जितनी भी हमारी माताएं बहने भाई समान लो, पिता समान लो, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भी मिला सलाम पेश करता हूँ। साथियों मेरी आदत है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मेरी एक शायरी बहुत ही फेवरेट है, मैं उसी शायरी से चालू करता हूँ अपने स्पीच को। तो जले को आग कहते हैं, बुझे को राखी कहते हैं, जले को आग कहते हैं, बुझे को राखी कहते हैं, और जो चपरा के धरती से जो जन्म ले उसे मनीष कुमार डेंजरस चमार कहते हैं, उसे मनीष कुमार डेंजरस चमार कहते हैं। कि जिस शहर में बरसात ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, जिस शहर में बरसात ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में भीम का इतिहास ना हो उस घर की नस्लें गुलाम हो जाती है, उस घर की नस्लें गुलाम हो जाती है। रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करते, हम तो भीम के दीवाने वो हैं जो बहुजन के महापुरुषों के अलावा किसी के सामने झुका नहीं करते, किसी के सामने झुका नहीं करते। कीमती चीज किसी बाजार की मोहताज नहीं, आ चीज हो अच्छी तो खरीदार की मोहताज नहीं, मेरा बाबा मेरा मौला तो मुझे बिन मांगे दिया करता है, मेरी झोली किसी दरबार की मोहताज नहीं, मेरी झोली किसी दरबार की मोहताज नहीं। देश के गद्दारों को मिटाने का वो हुनर रखना, देश के गद्दारों को मिटाने का वो हुनर रखना, ये मनीष कुमार डेंजरस चमार चाहे रहे या ना रहे, लेकिन मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सलामत रखना, सलामत रखना। बीते हुए कल का इंतजार करना, बीते हुए कल का इंतजार करना, अगर ये मनीष कुमार मर जाए तो मेरे कफन पे सिर्फ जय भीम लिखना, मेरे कफन पे सिर्फ जय भीम लिखना। लोगों से कह दो कि हमसे जलना छोड़ दे, हम घर से दवा नहीं लेके चलते, सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर का दुआ लेके चलते हैं, सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर का दुआ लेके चलते हैं। साथियों जब हम लोग जयंती को मनाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन जब हमारी बहन बेटियों की जब संख्या कम होती है तो बहुत दुख भी होता है। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जब चौथा पुत्र जब उनके मर जाते हैं चौथा बच्चे, तो गांव के लोग कहते हैं कि अंबेडकर जो हुआ सो हुआ, अब पैसा दो और तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाया होता। तो ऐ मेरी माताएं बहनों भाई संभाल लो, पिता संभाल लो, एक ऐसा समय था आप लोगों के लिए कि लोग ये इस तरीके से कहते थे कि तुम्हारी घर की अगर बहन बेटियां पढ़ लेंगी तो तुम्हारे घर का कोई मर जाएगा, लेकिन धन है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब ने आप लोगों को आजादी दिया, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, आपके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं रहता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो आजादी दिया कि आज आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, अच्छी नौकरी कर सकते हो, और इतना ही नहीं पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जैसा आप प्रधानमंत्री का दावेदार भी बन सकते हो। लेकिन है मेरी माताएं बहनों भाई संभाल लो, पिता संभाल लो, मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी बहनें उस तरफ कहीं खड़ी है, कुछ हमारी बहन बेटियां वहां पर बैठी है, कुछ हमारी बहन बेटियां छत के ऊपर से देख रही, इधर से भी देख रही है, और हमारे नौजवान साथी भी देख रहे हैं। लेकिन है मेरे भाइयों, है मेरी माताएं और बहनों, आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि शायद अगर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज हम लोग इस तरीके से जो आज हम जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, एक त्योहार के तौर पे हम लोग इसको मना रहे हैं और इतनी अच्छी हम लोग खुशी पाते हैं इस दिन, तो शायद ये दिन नहीं होता। और एक बिना माँ बाप का लड़का मैं तो जानता हूँ भारत के किसी भी ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे मुझे लोग जानते नहीं, इस बात पे मैं गर्व करता हूँ कि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
अंबेडकर जी की देन है कि जिसको कभी लोग कहते थे लवारिस के नाम से, लेकिन आज वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिल से और अपने इस समाज के आशीर्वाद से भारत का कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ पे आप लोगों के इस भाई को, आप लोगों के इस बेटे को कोई जानता नहीं होगा। और इतना ही नहीं साथियों, मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जानते होंगे मैं इस देश का कोई भी हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री हुए चाहे मुख्यमंत्री में कोई भी हुआ, अगर इस मेरे भोले भाले समाज में अगर कोई टिप्पणी उठाने की कोशिश करता है तो आप लोगों का ये बेटा, आप लोगों का ये भाई इसी तरह अपनी मोछों को ताव देकर और उनको उनको दे उनको क्या नाम है इसी बात के लिए उनको क्या नाम करारा जवाब देता हूँ। और करारा जवाब देने के बाद पूरे देश में बता देता हूँ कि संत कबीर नगर की धरती पे कोई मनीष कुमार डेंजरस के मान नाम का कोई लड़का पैदा हुआ। और इतना ही नहीं, मेरी माताएं बहनों आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, भाई संभाल लो पिता संभाल लो, आप लोग जानते होंगे भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता हैं जिनका नाम है रवि किशन। मैं उसको रवि किशन नहीं कहता हूँ, मैं उसको एक नचनिया कहता हूँ। उस नचनिया ने आकर ये कहा कि चोरी चमारी नहीं करते हैं और चोरी चमारी हम लोग नहीं करते, हम लोग अपनी मेहनत से काम करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम जो चमार हैं, जो हम दलित समाज के लोग हैं, हम क्या उनके बाप से कर्जा लेके खाने के लिए जाते हैं? अरे मेरी माताएं और बहनों, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने उसके खिलाफ वीडियो बनाया और उसको मजबूर कर दिया माफी मांगने के लिए इसमें अपने बहुजन समाज के लिए। आप लोग वीडियो देख सकते हैं जाकर। मुझे किसी चीज का मुझे दिक्कत नहीं होता, मैं कोई भी मैं चुनाव नहीं लड़ने आ रहा हूँ, बस मुझे इस बात पे दर्द होता है मेरे साथियों जब मेरी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, मेरे गरीब भाइयों को मारा जाता है पीटा जाता है, तब मुझे दर्द होता है। नहीं तो मेरी भी खेलने और कूदने की उम्र है, मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं भी हर किसी चीज जाके शादी और ब्याह हर किसी चीज जाके मैं भी इंजॉय कर सकता हूँ, व्हाट्सएप चला सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं करता हूँ। मुझे अपने समाज के लिए, मेरे लिए अंदर ये दर्द है। मैं सोचता हूँ कोई भी चीज हो, सबसे पहले अगर मेरे समाज के ऊपर अगर कोई अटैक करे तो सबसे पहले इस डेंजरस चमार के अगर सीने को अगर कोई पार कर देगा तो मैं अपने इस समाज के ऊपर चाहता हूँ। मुझे किसी भी, इतना नहीं साथियों, मैं जब निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने समाज को मैं जगाऊं, कुछ लोग दर्द होता है जब अपने लोग जब गद्दारी करने की कोशिश करते हैं, दर्द होता है जब मैं निकलता हूँ, कुछ लोग मुझे रोकने की साजिश करते हैं। लेकिन है मेरी माताएं और बहनों, भाई संभाल लो पिता संभाल लो, आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि वो पानी को बांधों के द्वारा रोक सकते हैं, आग को पानी के द्वारा बुझा सकते हैं, लेकिन आप लोगों का ये बेटा, आप लोगों का ये भाई मनीष कुमार डेंजरस चमार आंधी है। किसी की माँ के अभी किसी माँ ने अपने बेटे को जन्म नहीं दिया जो आपको इस बेटे को रोक दिया और रोक देगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद ये मेरे सर का ताज है। मैं कुछ नहीं कहता, मेरे पास आपको हर किसी को पता होगा मेरी औकात ज्यादा नहीं है, मैं जानता हूँ किस तरीके से मैं अपने जयंतियों को और अपने समाज के बीच में आता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का टेंशन नहीं होता कि मैं वहां जाता हूँ मेरे पैसे खर्चे होते कुछ होता, मैं कुछ नहीं समझता उसके बारे में। इसलिए नहीं समझता कि जिस समाज ने मुझे आज कहां से कहां पहुंचा दिया, मैं पैसा नहीं कमाया हूँ साथियों। अगर मैं शायद पैसे का अगर ख्याल किया होता तो आपको बता देना चाहता हूँ कि चपरा पूर्वी में सबसे बड़ी अगर किसी की लोगों की इस भाई की होती। मैं पैसों पे नहीं मरता, मैं अपने इस समाज के लिए काम करता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे रोकने की साजिश करते हैं, मैं उनको भी कह देना चाहता हूँ कि रोक ना सकोगे तुम तूफान बनकर, निकलूंगा हर किसी चीज का अंजाम बनकर। आपकी धरती पर कल कईयों लाख कईयों करोड़ पैदा होंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के औलाद बनकर। इसी इन्हीं सब शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है, और एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों कि आज 14 अप्रैल से लेके आज 29 अप्रैल है, मैं 56 जयंतियों को अटेंड कर चुका हूँ अभी तक। और अभी तक मुझे कल के डेट में मुझे 6 जयंतियों को अटेंड करना है और 2 जयंती को आज भी करना है। ये आप लोगों का प्यार दुलार है। शायद अगर मैं चुनाव लड़ता तो शायद मैं इतना आप लोगों को समय नहीं दे पाता। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि जिस मजबूती से मैं इस टाइम में जिस मजबूती से मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ अपने समाज के लिए, अगर मैं चुनाव के माहौल में गया और राजनीति जैसी अगर मैं अपने अंदर छवि लाया तो शायद इस मजबूती से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। और मैं अपने नौजवान साथियों से कह देना चाहता हूँ,
मेरे भाइयों, आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, एकता सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम लोग एकता बनाए रखेंगे तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमारी हमारी बहन बेटियों पे, हमारे भाई समान लोग और पिता समान लोगों के ऊपर एक बार आंख उठा के देखने की कोशिश करते। एकता सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन हमारे भाई लोग कुछ क्या करते हैं, उनके माता पिता कह देते हैं भाई मत जाना, ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। मैं भी किसी का बेटा हूँ, मैं जेल से नहीं डरता, मैं फांसी से नहीं डरता, मैं लाठी से नहीं डरता, क्योंकि मुझे मैं शहीद हो जाऊंगा, अंतिम सांस तक मैं शहीद हो जाऊंगा इस समाज के लिए, वो चलेगा, लेकिन मैं कभी भी अपने समाज से मैं गद्दारी नहीं करने वाला, क्योंकि शेरनी की माँ कभी शियार नहीं पैदा करती और मनीष कुमार डेंजरस चमार की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोग को एक ख्वाहिश भी बताता जाता हूँ कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने समाज, जब तक जीऊँ अपने समाज को इसी तरीके से मैं अपने समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ता रहूँ, और अंतिम समय पर अगर मेरी मौत भी हो तो मैं अपनी मोचों को इसी तरह ताव देता रहूँ, इसी तरह ताव देता रहूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने बॉडियों को विराम देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ बड़े भाई मानी हमारे अखिलेश भाई, जो हमारे बहुत ही प्रेम मित्र है। भाई ने अगली बार मैं आया था, भाई ने मुझे जो हाथ में आप लोग को दिख रहा है जय भीम, भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, आज मेरे ख्याल से ये साल भर से ऊपर हो गया है। मेरे दोस्त, मैं फोन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों की निशानियां और आप लोगों का प्यार मैं इस दिल में रखता हूँ। मेरे दोस्त, कोई भी बातें हो, कोई भी चीज हो, आप लोगों के लिए जान भी आदि है। मेरे दोस्त, जयंती की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जयंती जिस समाज की हम जयंती मनाते हैं, आज उन्हीं लोगों के दिन से हम लोग इतने अच्छे अच्छे पद पर हैं। तो आप लोगों से कह देना चाहते हो, मेरी माताएं और बहनों, अंधविश्वास को छोड़ दीजिएगा। अगर अंधविश्वास करने से करवा चौथ का व्रत रख लीजिएगा, छठ पूजा कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को छठ पूजा का व्रत रखने से आपका अगर बेटा, आपकी बेटी अगर आईएएस पीसीएस की नौकरी पाती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी दिन से बोलना छोड़ दूंगा। अंधविश्वास में मत रहिए, अपने बेटे को एक हिम्मत दीजिए, एक जुनून दीजिए और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। और जितने लोग भी ये पाखंडवाद में जो डूबे हुए हैं, दुनिया का जितना भी प्राचीन मंदिर है अपने भारत के अंदर, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी मंदिर में वो जाए और मत्था टेक कर ये बता दे मुझे कि मैं चमार जाति से हूँ, अगर उनको अगर मंदिर में एंट्री करने दे दिया गया और उनको जो मतलब असली जो पिंड होता है वहाँ पर वो दर्शन करके चले आएंगे, अगर वो मुझे प्रूफ करके दे दिए तो मैं आप लोग को बता देना देता हूँ उसी दिन से इस मंच पे मैं बोलना छोड़ दूंगा। क्योंकि जब इस देश के प्रख्यात राष्ट्रपति को नहीं बोलने दिया गया तो हम लोग क्या है। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने बाड़ियों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमोबुद्धाय, जय बहुजन समाज, जय संविधान, जय मानवाकांक्षी राम, जय चपरा समाज, जय डेंजरस समाज।